पसंद नहीं है सारे माशाल्लाह यार जैसे हैं यार ये देखेंगे देखेंगे ये आता एक भी नहीं निकालती है। तो अब हम इसको दो बच्चे हैं यार इसमें पिछले बहुत सारी इनमें 4, 5, 6, 7 अंडे। हेलो गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज हम आए हैं अपनी बजीज कॉलोनी में इसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। इनको क्लास इनके मैंने अलग भी कर लिया, कुछ बच्चे मैंने अलग भी करके ये खेल रहे हैं। ये देखें ये बच्चे कुछ अभी बाहर भी निकले हुए हैं, इन्हीं बच्चों में इन्हीं में मिक्स हो कुछ अभी डोलियों में है। तो सबसे पहले बजीज कॉलोनी प्रोग्रेस चेक करते हैं। कुछ अर्से पहले भी हमने बजीज कॉलोनी प्रोग्रेस चेक की थी, बहुत सारी इनमें डोलियों में बच्चे थे, लेकिन अब पता नहीं किस किस में बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बड़े हो गए, बाहर भी निकल आए और कुछ अभी अंदर कुछ मार दिए गए। इसके पहले जो बच्चे थे वो हमने अलग कर लिए थे, अब हमने करना है इसके और बच्चे चेक। देखते हैं कितने बच्चे हैं इसमें या कितने अंडे। अमेरिका में फीमेल ने दोबारा अंडे दे दिए होंगे। माशाल्लाह यार 6 अंडे हैं इसके गाइस। ये देखो यार 6 अंडे इसके भाई, 6 अंडे इसने दे दिए दोबारा से। पिछली बार इसके दो बच्चे थे, पता नहीं यार इसके दो बच्चे क्यों थे। मेरे ख्याल में यार फर्स्ट ईयर था और इसके अलावा फर्स्ट क्लास था, यानी कि जब से ये पैदा हुआ इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया तब, इसलिए मेरे ख्याल में इन्होंने कम बच्चे निकाले थे फर्स्ट टाइम। अब माशाल्लाह 6 अंडे इंशाल्लाह इसमें से भी काफ़ी सारे यानी कि बच्चे निकालेंगे, तीन चार मिनिमम निकलेंगे बच्चे, क्योंकि दूसरी दफ़ा है। तो इसके चेक कर लेते यार, ये फीमेल मुझे बहुत पसंद है यार, दुआ करो इसके बच्चे निकले और इसी की तरह निकले। पहले इसने बच्चा दिया वो मेल की तरह था, यानी कि ये जो ग्रीन है ये मुझे पसंद नहीं है। सारे ग्रीन है यार मेरे पास, मिक्स है सारे, लेकिन ग्रीन ज्यादा है मेरे पास कंट्रास्ट। मैं कहता हूँ यार कुछ ब्लू का कंट्रास्ट निकले और इसके अलावा ना कुछ इस जैसे और कुछ यानी कि ब्लू व्हाइट इस तरह के निकले, जैसा कि ये हो गया एक। तो फिर को चेक करते हैं यार इसके क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे यार गाइस, 7 अंडे हैं यार इसमें माशाल्लाह यार। अब दुआ करो यार, इसका भी पिछली दफ़ा एक बच्चा दिया था, सिर्फ इसने यार एक बच्चा दिया था, पता नहीं यार क्यों इसने एक बच्चा दिया था, लेकिन इसका एक बच्चा तो था इतना मोटा, वो हमने पकड़ के अलग कर लिया था। अब इस बार देखो यार ये कितने बच्चे इसके निकलते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो इसके 7 तो खाली अंडे हैं, इंशाल्लाह यार इसमें से भी 4-5 बच्चे निकल आएंगे। तो यार गाइस आप चेक करते हैं डोल नंबर 3 को, लास्ट टाइम तो ये खाली थी और पता नहीं अब इसमें अंडे हैं भी के बच्चे हैं, अब मुझे कुछ पता नहीं है यार। ये तो खाली है, बिल्कुल खाली है गाइस, ये बिल्कुल खाली है, इसमें अभी भी कुछ नहीं है। और यार कुछ अंडे नीचे आए पड़े, पता नहीं यार किसने आपसे आए किए हैं। और डोल नंबर 4 को चेक करते हैं और ये भी खाली। यार इसमें तो लास्ट टाइम अंडों की दुकान लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था इसके अंडों की दुकान लगाई हुई थी इसने, ये वाली फीमेल है इसको, लेकिन इसमें एक भी अंडा नहीं है यार। मेरे ख्याल में शायद इसके अंडे खराब हो गए होंगे और इसने ये सारे अंडे निकाल के बाहर फेंके। इसने कहा है कि यार मैं नए अंडे दूंगी, तो अब ये नए अंडे देगी इंशाल्लाह, उसमें से बच्चे निकालेंगे। पिछली दफ़ा भी इसने एक बच्चा नहीं निकाला, उससे पिछली दफ़ा भी इसने एक भी बच्चा नहीं निकाला। तो यार कोई बात नहीं, चलो इंशाल्लाह इस बार जब देगी ना उनमें से बच्चे निकालेंगे। तो अब डोल नंबर 5 को चेक करते हैं और क्या है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडे माशाल्लाह यार, जिसके 6 अंडे पूरे हो गए हैं, यानी कि इसने भी 6 अंडे देंगे, इसने 6 अंडे थे और इसने भी 7 अंडे दे दिए यार माशाल्लाह। ऐसे ऐसे अंडे देते, इतने इतने अंडे देते हैं ना ये, बहुत अंडे देते हैं। पिछली दफ़ा मेरे पास जितने भी प्यार थे ना, बहुत देते थे 5 अंडे, 4 अंडे या 3 अंडे, वो इसलिए उन्होंने कम देते, क्योंकि मैंने फूड ही नहीं डालता था, यानी कि सिर्फ बाजरा डाल दिया और इसके अलावा कभी दिल गया तो रोटी डाल दी थोड़ी सी। लेकिन अब मुझे समझ आया कि यार जो गंदम है ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने ये देखे साफ सुना, आप देख रहे होंगे सब्जियां भी पड़ी हुई हैं और इसके अलावा गंदम भी भिगोई हुई मैंने डालता हूँ, बाजरा भी डालता हूँ, नमक भी डालता हूँ, इसलिए ना इनके इस दफा ना यानी कि अंडे भी ज़्यादा और बच्चे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब डोली नंबर इसको 5 को हमने चेक कर लिया था, इसमें से 6 अंडे। आप करते हैं डोली नंबर 6 को चेक, आप डोली नंबर 6 को चेक करना है। और डोली नंबर 6 में यार फीमेल तो जा रही है अंदर, लेकिन इसने अभी अंडा नहीं दिया। देखें ना ब्लू वाली कोई फीमेल है सही इसमें, इसमें है सही, लेकिन अंडा नहीं दे रही अभी वो। तो खैर कोई बात नहीं, दे देगी यार, नहीं भी देगी तो चलो कोई बात नहीं यार। चलो नहीं, मैंने एक दो फीमेल ऐसे करा होते हैं जो कि कभी भी अंडा नहीं देती, यानी कि कोई ऐसी भी होता है कि अंडे बहुत सारे देते हैं, जैसे कि ये वाली हमारी फीमेल है अंडे इतने देती है जैसे दुकान लगाई हुई है, लेकिन बच्चा एक भी नहीं निकालती एक भी। तो कोई बात नहीं, चलो यार डोल नंबर आप 6 चेक कर लिया, आप डोल नंबर 7 को चेक करते हैं। डोल नंबर 7 में मौजूद है माशाल्लाह यार 1 अंडे और वो भी बच्चा निकलने वाला है, इसमें से एक बच्चा है इसका और इसमें से भी बच्चा निकलने वाला है। ये देखें वो छोटा सा इसमें, ये देखें ये देखें ये आप देख रही है ये सुराख है ना, इसमें से बच्चा निकलने वाला है। और फीमेल इसकी आम है, यानी कि एक सादी फीमेल है, ना कोई रेड आइज है ना वाइट है। चलो यार कोई बात नहीं, बच्चा तो है ना, बेशक आम है बेशक जैसी है बच्चा है हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार इसका बच्चा निकला हुआ, 2 अंडे हैं और उनमें से भी उम्मीद है इसमें से भी एक आध बच्चा निकल आएगा। एक बच्चा एक आधा अंडा खराब होता ही है हमेशा यार। लास्ट टाइम ऐसा भी हुआ था कि मेरी एक फीमेल ने 5 अंडे दिए थे और उसने 5 के 5 बच्चे निकाले थे और 5 के 5 बच्चे उसके बड़े हो गए थे। और यार अब मैं सोच रहा हूँ कोई फीमेल मेरी ऐसी निकाले कि वो 5 अंडे दे और उनमें से ना वो 10 बच्चे निकाले और 10 के 10 पाल भी। मजाक कर रहा हूँ यार, हर अंडे में से एक बच्चा निकलता है, 2 कभी भी नहीं निकलते एक अंडे में से। तो यार आप डोली नंबर 8 को चेक करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोली नंबर 8 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है डोल नंबर 8। हालांकि यार पेयर्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं बाकी पेयर्स क्या कर रहे हैं, लगता है यहीं पर बैठे रहते हैं, जैसे ये आप बैठे हो बैठो बैठो मौज मड़ाओ, सिर्फ खुराक खाओ तुम। डोली नंबर यार आप करना है डोली नंबर हमने 8 को चेक, डोल नंबर 8 में कुछ नहीं है ना। डोली नंबर 9 को चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फीमेल तो बड़ी पक्की है, यानी कि है तो खैर पिछले साल के, यानी कि पिछले साल पैदा हो गया, लेकिन देखें इसका नाक कैसे हुआ पड़ा है। दिखाओ भाई आपके नीचे क्या है, 1, 2 अंडे आपके नीचे, ऐसे 2 अंडे सिर्फ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हटो 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 यार, हट भी जाओ यार। देखें यार ये हट नहीं रही,
देखें इसकी हरकतें, देखें, हट जाओ। जब कॉलोनी पर आकर सामने मेरे ख्याल में 6-7 दिन हो गए हमें चेक किए हुए, तो उस टाइम इनमें काम बचे थे, लेकिन अब बच्चे बहुत सारे निकल आए। तो यार ये देखें, ये आप उठ रहे, तो यार जब हमने लास्ट टाइम चेक किए थे तो इसके 3 अंडे थे, अब इसके 5 अंडे हुए पड़े हैं, या कोई बच्चा भी है? 1, 2, 3, 4 5 अंडे, कोई भी बच्चा नहीं है इसका। खैर यार दुआ करो यार, इसके अंडे तो फर्टाइल है सारे, इसमें से भी ढेर सारे बच्चे निकल आए, 6 बच्चे निकल आए, बस 5 अंडे से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। तो अब डोलने पर लास्ट को चेक करते हैं इसमें क्या है। यार ये खाली है, बिल्कुल खाली है, यानी कि कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। तो यार अब हमने करनी है अपनी लेफ्ट वाली नीचे वाली लाइन, 1, 2, 3, 4, 5। यार आप देख रहे होंगे कि मेरी जो ऊपर वाली लाइन है इसमें अंडे ज़्यादा, यानी कि जहाँ पर भी अंडे थे जहाँ पर भी 5 अंडे थे, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 5 अंडे थे, और इस फीमेल ने अंडे नीचे पाएंगे, इधर भी अंडे, आप देख रहे होंगे सारे के सारे अंडे थे। वो यार ऐसा हुआ था कि मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो छापर है ना, ये मैं लगाना भूल गया था, यानी कि काफ़ी अर्से पाल में लगाया था। तो ऐसा हुआ कि यहाँ से ठंडी हवा आती थी और ऊपर वाले डोले में जितने भी ना अंडे थे ना वो ख़राब हो गए, यानी कि उनमें बच्चा पैदा होता था, फर्टाइल अंडे थे मेरे सारे, लेकिन उनमें से बच्चा पैदा होकर वो बेचारा मर जाता था। तो इसलिए फिर जब मुझे ये रीज़न समझ आया ना, मैंने तब फिर छापर लगा दिया। अभी ये नीचे से ना थोड़ा सा उठा हुआ है, इसका बिना तार बांध के ना मैं इसको मजबूत कर दूंगा ताकि हवा अंदर ना आए। और जब फिर मेरे यार मुझे ऐसे पता नहीं चलता कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अंडे ख़राब क्यों हो रहे हैं, जब मैंने ये देखा कि नीचे वाले डोलियों में बच्चे निकलते आ रहे हैं और ऊपर वाले डोलियों वैसे के वैसे हैं, तो फिर मुझे रीज़न समझ आई कि जो ऊपर वाली डोलियों को जो देखें यहाँ तक है ना, ये दीवार नीचे दीवार है सारी, ऊपर जाले लगे हुए, तो ये वाली डोलियों को हवा लग जाती है। तब फिर यार मैंने ये छापर लगाया और अब इनमें अंडे हैं, उम्मीद है कि इनमें से अब बच्चे निकलेंगे। रीज़न समझ आ गई है ना आपको? तो अब हम चेक करते हैं नीचे वाली डोली को और इसमें देखते हैं क्या मौजूद है। इसमें माशाल्लाह यार अंडे के खोल पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, यानी कि 3 खोल हैं, इसका मतलब 2 अंडे टूटे हुए हैं, यानी कि या तो 2 बच्चे होंगे या तो फिर 1 बच्चा होगा, क्योंकि यार ये देखें ना, 1 अंडे के कभी भी 3 खोल नहीं होते, 1 अंडे के जैसे ही बच्चा निकलता है उसके 2 खोल हो जाते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में अंडा डिवाइड होता है। तो आप ये देखें ना, इसके नीचे 2 बच्चे होने चाहिए, अगर 1 बच्चा मर गया हो खुदा ना खासा, तो 1 बच्चा लाजमी होना चाहिए। तो अब हम इसको उठाते हैं और इसके बच्चे चेक करते हैं कि इसमें बच्चे हैं भी सही, क्या हमें शक हो रहा है कि बच्चे निकल के मर चुके हैं। तो किससे उठाएं इसको? इसी से उठा लेते हैं यार, ये मैंने इनको खाने के लिए डाली थी और अब मैं इनको उठाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जी हट जाओ यार, शराफत से हट जाओ, क्या अब हम तुम्हें तंग करेंगे रोज़ाना है? यार इस फीमेल के ना बेचारे की तबीयत भी ख़राब है, देखे ना इसकी आंखें कैसे हो रही हैं बेचारी की। हाँ हटो, बच्चे दिखाओ, ओए खाना नहीं है यार, उसने खाना स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह यार गाइस, 2 बच्चे हैं इसके नीचे, 1, 2, 3, अभी 1 अंडा भी पड़ा हुआ है यार, 1 अंडे के 2 अंडे हैं, 1 अंडा पड़ा हुआ है और 2 बच्चे हैं इसके, है ना यार। वो देखें वो फीड करवा दिया अपने बच्चे को। यार हट भी जाओ यार, 1, 2 बच्चे हैं, पता नहीं अब 3 बच्चे हैं, मुझे अब कुछ नज़र, 1 अंडा है, 1 अंडा है जो कि अभी पड़ा हुआ है, बाकी अंडे के छिलके पड़े हुए हैं, और 2 बच्चे हैं इसके माशाल्लाह से, ऐसे ना 2 अंडे हैं, 2 अंडे गाइस, 2 अंडे, एक वो पीछे भी पड़ा हुआ है, 2 अंडे हैं इसके और 2 ही बच्चे हैं माशाल्लाह यार। अब वो अंडे भी मेरे ख्याल में वो हैं तो फटाए, उनमें से 1 अंडा मुझे ख़राब लग रहा है और 1 ठीक लग रहा है, उम्मीद है कि उसमें से भी बच्चा निकल आएगा। तो नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है? कुछ भी नहीं है यार। तो यार मेरे ख्याल में इसमें 10 बच्चे हैं, पता नहीं यार, चूंटियों के शायद 10 बच्चे होंगे, मजाक कर रहा हूँ यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली है डोली। तो अब हमने करना है ये 3 डोलियों को चेक और इन 3 डोलियों को आप मुझे बताएं इनमें क्या होगा, अंडे होंगे, बच्चे होंगे, कुछ भी नहीं होगा, फीमेल होगी, मेल होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यार ये सारे प्यारे स्टैंड में मेरे डर के ऊपर गए बैठे हैं बेचारे, ये देखें खौफ के मारे वहाँ गए बैठे हैं, ये देखें कुछ वो हो कह रहा था ना कि जो बहुत ज़्यादा डर गया वो सीधा लेट गया, ये बहुत डर गए और ये ऊपर घुस गया और ये बाकी यहीं पर बैठे हुए, लेकिन यार जब जरूरी होती है बच्चे स्कूल निकल, तो यार जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, यानी कि इतना बड़ा हो गया और तब वो मर जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बदबू करता है और उसके जाते फीमेल के भी मर जाने का डर होता है, इसलिए मैं बच्चे स्कूल प्रागर चेक करता रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार अपने तोतों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन यार मैं समझता हूँ कि इतना डिस्टर्ब करना चाहिए ताकि उनकी भी आगे चली जाए। यार देखिए मैं अंदर आया ठहरा हूँ और ये आराम से बैठा, यानी कि अपना शोगे वगैरह देख रहे हैं जो भी कर रहे हो, तो फीमेल कुछ ऐसी भी जिद्दी हैं जो कि अंदर से निकलती नहीं है, जैसे कि ये बैठी हुई है। खैर कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, खिलाओ तुम अपने बच्चे को फिर। तो अब यार लास्ट डोलियाँ रह गई हैं, 3 डोलियाँ, इनको चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह यार 3 बच्चे हैं इसमें, 3 बच्चे, और यार मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी इसमें 3 बच्चे थे और 3 के 3 छोटे थे, लेकिन अब माशाल्लाह ये देखें बड़े बड़े हुए बड़े हैं, ये देखें और तीनों एक ही जैसे हैं यार, यानी कि हालांकि इसका पेरेंट्स जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, सब दोनों अलग हैं। ये देखो मुझे जो वाइट और ब्लू बैठा हुआ है ये इसका मेल है, और ये येलो वाली रेड है जिसकी फीमेल है, और इसके बच्चे देखें तीनों ना बाप पर गए हैं ना माँ पर गए हैं, और तीनों हैं जैसे एक ही जैसे, यानी कि जो तीनों इसके बच्चे हैं ना वो एक दूसरे पर गए हैं और माँ और बाप पर कोई नहीं गया। तो खैर यार माशाल्लाह बहुत एक्टिव है ये भी, मेरे ख्याल में ना 1 से 2 हफ्तों के बाद ना बाहर निकल आएंगे। तो अब रह गई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोलियाँ, मजाक कर रहा हूँ यार, 2 डोलियाँ रह गई हैं सिर्फ, और इनको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
दो बच्चे हैं यार इसमें, पिछली दफ़ा भी दो ही थे और अभी फीमेल्स ने नए अंडे नहीं दिए। इसके अंडों की ना यार हम दोनों की सफाई भी करेंगे, लेकिन जब फीमेल नए अंडे देने पर आएगी ना तब सफाई कर लेंगे, ताकि वो जो अंडे हैं ना वो बिखरे ना रहें और इसके अलावा अंडे ख़राब ना हो जाए। तो अब हमारी रह गई आखिरी डोली, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक बच्चा था, और बच्चा कहाँ गया इसका यार, कहीं मर तो नहीं गया बच्चा यार? इसमें बच्चा था, सबक वाला बच्चा था, मैंने आपको दिखाया था, इसी की तरह बच्चा था ये, जैसे ये पेयर है इसका, फीमेल वो वाली है, और माशाल्लाह इसने नया अंडा एक तो दिया हुआ, लेकिन इसका बच्चा कहाँ गया? ओए बच्चा बाहर आ गया, माशाल्लाह यार गाइस, ये देखें ये बच्चा है बैठे, देखें ये बच्चा है बैठे, आपको ला कर ले हैं, आपको ला कर लें यहाँ से। लेकिन यार ये अभी बच्चा इतना छोटा है, ये देखें आप ना, देख लें आप, देखें ये डर नहीं रहा, इसका मतलब बच्चा छोटा है, यानी कि अपने माँ बाप से ये फीड ले रहा होगा। जब ये खुद खाना स्टार्ट करेगा ना, तब मैं इसको पकड़ के इनके साथ ठहरा दूंगा, जो कि मैंने पहले भी कुछ बच्चे अलग किए हूँ मैं। यार गाइस सारी चेक कर लिया हमने, ये ऊपर वाली लाइन पूरी लाइन चेक कर लिया, नीचे वाली लाइन भी चेक कर लिया, माशाल्लाह कब सारे बच्चे भी निकले पड़े हैं और फीमेल्स ने नए अंडे भी दिए हैं, और उम्मीद है कि उनमें से भी जल्द से जल्द बच्चे निकलेंगे। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं, अल्लाह हाफिज़।